is Sachin Shenoy. Uma and Arya, we were supposed to board the Air India AI-503 flight today at 17:10 to Delhi and then to Amritsar. We were supposed to be on a 12-day trip from Amritsar, Dharamshala and Dalhousie. We had booked these tickets about 3 months back. We have been in constant touch with the Air India authorities on the process for travel with our pet. Our pet weighs 4.2 kilos. With the bag, she is hardly 5 kilos. As per the rules, she can fly inside the cabin. We got all the checks done. We had all the certificates done. She was issued a boarding pass by Air India today. And then we waited for 4 hours. She peacefully and calmly waited without creating any issues. We went to the lounge. She was petted by at least 250 people in the airport. And she didn't make any nuisance. She didn't cry, she didn't bark, whatever. And finally, the flight lands and the pilot, the captain, Chopra, denies entry, or that is what was told to us. We also understand the flight was full and maybe they had overbooked, and because of which they might have wanted us to deboard so that they could take in more passengers. We were told, leave your pet and go. You can fly if your pet is not flying. We will not allow you to take the pet and go. So it's as good as leaving our kid and going. Is this what travel in India is all about? Is this what the modern India is all about? I want to ask Mr. Sindhya and Prime Minister Modi and General VK Singh, is this what travel in India is today? I have suffered huge losses because we paid for our stay in Amritsar, Dalhousie and Dharamshala and my cab and everything for the next 12 days. Who is going to bear the consequences of this? I hope the rules are simplified and the captain is not given the right to deny permission after all the rules and regulations have been followed. This is pathetic. Things need to change. So friends, अभी आपने ये वीडियो देखी, ये वीडियो मेरे पास आई और मुझे लगा कि यार आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो भाई ये जो बंदा था इस वीडियो में, इनका पेट था जो डॉग आपने देखा इनके हाथ में, और इन्होंने ट्रैवल करना था एयर इंडिया से। अब सीन क्या हुआ, वो बोल रहा है कि भाई हमें बोर्डिंग पास मिल गया था, मतलब बोर्डिंग पास तक उनको मिल गया था उस डॉगे का भी, और उसके बाद उन्होंने लॉन्च भी एक्सेस किया, मतलब बोर्डिंग पास लेके वो अपना आगे जा चुके हैं और अमृतसर उनको जाना था। और जब वो बोर्ड करने लगे तो तब उनको बोर्डिंग डिनाइड कर दी और बोले कि भैया तो आप इस पेट को यहाँ पे रखो, वापस भेजो कैसे भी करके, और अगर आपको ट्रैवल करना है तो आप ट्रैवल करो। आप ट्रैवल कर सकते हो बट ये नहीं कर सकता, मतलब डॉगी नहीं कर सकता, और आप ट्रैवल कर सकते हो। तो इतनी अथॉराइजेशन उनको दे दी गई थी और उन्होंने बोला कि भाई नहीं, जैसे अब हमारे साथ हो तो हम इसको लेके जाएंगे, ये एक फैमिली मेम्बर की तरह है और ये साथ ही जाएगा। उसके बावजूद फिर उनको बोर्डिंग डिनाइड कर दी। अब इस पूरे इंसिडेंट में आप लोग मुझे बताइए, देखो सबका अलग अलग माइंडसेट होता है, सबके अलग अलग थिंकिंग होती है, तो क्या ये जो पेट है फ्लाइट में, अगर अलाउड तो है, अगर अलाउड है तो वो बोर्डिंग पास देते ही नहीं, ठीक है। इन केस ये तो कि मैं पर्सनल क्वेश्चन ही कर रहा हूँ लोगों से कि भाई अगर मान लो कि डॉगी मैं लेके जाता हूँ, अगर वो अंदर जाके किसी को बाइट कर ले, ठीक है, किसी को काट ले या किसी के साथ किसी कुछ भी कर दे, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, ठीक है, पहली चीज। सेकंड चीज, अगर पेट जो अलाउड होते हैं, ये जो जहाँ पे पैसेंजर सीट्स होती हैं वहीं पे होते हैं कि कोई और प्लेसेस इनके लिए होता है, वो देखो उसका मुझे भी आइडिया नहीं है। को अगर किसी भाई को, किसी सज्जन को अगर इसके बारे में पता हो तो वो भी आप बताएं कमेंट में कि ऐसे ऐसे होता है प्रोसेस। और इन भाई साहब को अगर बोर्डिंग डिनाइड करी है तो क्या वो सही था, रूल के हिसाब से था, या फिर मतलब इलीगली उन्होंने ऐसे ही कर दिया। तो ये चीज़ देखो, अब लोगों के पास एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ट्विटर पे लोग डाल देते हैं, शेयर कर देते हैं सब जगह, तो इंसिडेंट तो बहुत सारे होते हैं लोगों के साथ ट्रैवलिंग में। और जैसे इन्होंने ये इंसिडेंट शेयर किया लोगों के साथ, तो काफ़ी लोग ऐसे शेयर कर सकते हैं ट्विटर पर। एयरलाइन बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, नो डाउट, क्योंकि ये मेरी ट्रैवलर से भी बात होती रहती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। बट स्टिल कुछ ऐसी चीज़ जिस जो लोगों को पता चले, लोग उससे अवेयर हों,
तो ऐसा लोगों को पता होना चाहिए। अगर ये चीज जो हुई है ये गलत हुई है, सही हुई है, जो भी है, आप लोग इस पे कमेंट करके बताओ और इस वीडियो को आप शेयर करो कि ये जो हुआ है गलत हुआ है कि सही हुआ है। देखो मेरे हिसाब से अगर भाई बोर्डिंग पास मिल गया था तो उनको बिल्कुल रोकना नहीं चाहिए था। हाँ, किसी को हार्म ना करे, हालांकि बंदे ने बोला है कि भाई वो उनके साथ ही रहा, पूरे जो प्रोसेस था इनका एयरपोर्ट आने तक, बोर्डिंग पास लेने से फिर लॉन्च भी एक्सेस किया यार पूरा, मतलब आगे बोर्डिंग तक, तो उसने किसी को हार्म नहीं किया, डॉगी ने किसी ना कोई भौंका ना कुछ करा ना किसी को काटा, कुछ नहीं था, मतलब एकदम शांत तो पूरे प्रोसेस के दौरान। बट इन केस भाई आदमी देखो जानवर है तो पता तो है नहीं कि किस टाइम क्या कर दे, तो इन केस अगर कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? अगर ये चीज़ आप लोगों को पता तो इसका भी कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताना। तो यही था भाई फिलहाल, और क्योंकि लोगों का राय लेनी भी ज़रूरी है, मोस्टली लोग ट्रैवल करते हैं तो बहुत सारे लोगों को पता होता है कि क्या रूल्स हैं क्या नहीं है, तो इसका मुझे भी नहीं पता था कि होपफुली कोई जेंटलमैन भाई इसका आंसर करेगा। एंड आपको ये जो भी इसके बारे में आपकी व्यू हो, आपका आपकी राय हो, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यही था अभी इस वीडियो में, बाकी मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अनदर ट्रैवल एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर।